हेलो गाइस, वेलकम ऑन दी चैनल शेयर बाजार डॉट कॉम। तो बेसिकली गाइज, आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर ग्रुप शेयर के बारे में। तो गाइज, फ्यूचर ग्रुप का जो शेयर है गाइज, वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा न्यूज में बना हुआ है, और उसके पीछे का मुख्य कारण है गाइज कि कंपनी के स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा बिकवाली हुई है। तो साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि गाइज, अभी फ्यूचर रिटेल के स्टॉक जो गाइज काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहे हैं, और इसके पीछे का जो मुख्य कारण है गाइज, वो ये है कि कंपनी के जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है लोअर साइड पे ट्रेड कर रहे हैं। और अगर आपने देखा होगा, फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर एंटरप्राइजेस, फ्यूचर सप्लाई चेन, फ्यूचर कंज्यूमर, इन सभी में आपने जो है बहुत ही ज़्यादा बिकवाली होते हुए देखने को मिली है। और इसके पीछे का कारण था गाइज, आपको पता होगा कि अमेजोन के साथ में इन्होंने एक जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, जिसमें बोला गया था कि ये किसी भी तरीके से रिलायंस के साथ में डील नहीं कर सकते हैं, और वो अपने कोई भी एसेट्स को इनको सेल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अमेजोन की इस डील को इन्होंने जो है गाइज, इसका विरोध किया, और रिलायंस के साथ में इन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश करी, जो कि 24,000 की करोड़ के करीब जो है गाइज वो डील थी। लेकिन वो डील कैंसिल होने के बाद तो जैसे कि फ्यूचर ग्रुप पे काफ़ी ज़्यादा परेशानी आई, और उसके बाद लगातार कंपनी के स्टॉक गिरते रहे, और एंड में जाके आप देख ही रहे हैं कि क्या हाल हो चुका है, और कंपनी काफ़ी ज़्यादा स्टॉक NCLT में ट्रेड कर रहे हैं। वहीं पे मैं आपको बता देता हूँ कि फ्यूचर रिटेल की जो बैंकरप्सी है गाइस, वो लगभग तय से ही मानी जा रही है, क्योंकि 90 दिनों का इसको एक्सटेंशन दिया गया था 15 जुलाई के लिए। यहाँ पर स्पेस मंत्रा जो है एक कंपनी निकल कर आई है, जिसने 550 करोड़ रुपए की जो है डील टेक ओवर करने की बात करी है। तो देखना ये होगा कि स्पेस मंत्रा ही इसको डील को क्रैक करती है, या फिर कोई और कंपनी भी इस पर बिड लगा सकती है। दूसरी तरफ मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सिस ट्रस्टी ने अप्रोच किया है NCLT में कि वो जब फ्यूचर रिटेल के क्लेम्स में कुछ ऐड ऑन कराए, क्योंकि जो इनको अमाउंट अभी रिसीव हुआ 470 करोड़ रुपए का, वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो अब देखना ये होगा कि फ्यूचर रिटेल किस तरीके से इस पर अपडेट लेती है। तो अपडेट जानने के लिए आप चैनल के साथ बने रहिएगा, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस ना करें। दूसरी तरफ, अगर आप उनमें से हो जिनको स्टॉक रिलेटेड काफी कंसर्न्स रहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल sharebazaar.com को ज्वाइन कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप कोई भी रेगुलरली अपडेट इन्फॉर्मेशन को मिस ना करें। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि गारमेंट प्रोड्यूसर जिन्होंने डिमांड कराया 200 करोड़ रुपये, जो कि ड्यू है किशोर बैनर्जी के फ्यूचर ग्रुप पे, तो उनका ऐसा कहना है कि अगर हमारा अमाउंट को पे नहीं करते हैं, जो कि सन 2019 से पेंडिंग दिखा रहा है, तो हम फ्यूचर ग्रुप के खिलाफ जो एक्शन ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। तो देखने ही होगा कि कब तक इनके अमाउंट को पे करता है। और आप सभी को पता है कि रिलायंस रिटेल और अडानी ग्रुप JV काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग में इंटरेस्ट ले रहे थे फ्यूचर रिटेल के सेट्स को बाय करने में, लेकिन फिलहाल के लिए इनकी तरफ से भी कोई हलचल देखने को नहीं मिल रहा है। तो प्रोबेबली हो सकता है कि स्पेस मंत्रा जो है इस कंपनी को बाय कर ले। देखना होगा कि क्या अपडेट निकल कर आता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।